हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं मोशन वाला यूट्यूब चैनल और हमारी आफ्टर इफेक्ट्स सीसी 2019 की बेसिक ट्रेनिंग जारी है। तो ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 22 है। तो जैसा कि 20 पिछले 21 ट्यूटोरियल गुजर गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वो दे सकते हैं जाके वहाँ से। तो बेसिकली ये हमारे मोशन ग्राफिक्स के बेसिक मोशन ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल आ गए हैं। इसमें मैं आपको थोड़ी ये जो सी है लेयर्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि प्रॉपर्टी क्या क्या काम करती है। तो बेसिकली हम लोग इसकी एनिमेशन का बताऊँगा कि एनिमेशन किस तरह होती है, सिंपल यानी कि हाई लेवल की। एक बेसिक मोशन ग्राफिक्स किस तरह होती है कि किस तरह आप मोशन ग्राफिक्स बेसिक कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी लेयर के नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर दिखेगा ये ऐसे ऑप्शन स्टॉप वॉच के, ये वो नहीं होती स्टॉप वॉच टाइम वाली, वो उस तरीके के। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पर की फ्रेम, इसको बोलते हैं, ये बन जाएगा ये की फ्रेम। इसको आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये की फ्रेम कैसे काम करते हैं, तो मान लो आपने लेयर सेलेक्ट किया और आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग ए दबाएंगे तो आपके पास एंकर पॉइंट आ जाएगा। जी आप लोग अपने कीबोर्ड से कोई भी लेयर सेलेक्ट करके ना, जैसे इसका एंकर पॉइंट का पहला है ए, फिर है उसके बाद उसका नाम क्या है पी, पी से पोजिशन, एस से फिर स्केल, फिर आर से रोटेशन और ओपेसिटी का ओ से नहीं आती है, टी से आती है ट्रांसपेरेंसी। सिर्फ ये एक का अलग है कि आर से नहीं, जैसे कि ओ से ओपेसिटी है तो यहाँ पर ओ से नहीं, अगर आप टी दबाएंगे तो आपके पास ये खाली ओपेसिटी आ जाएगी। क्योंकि आपने काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि आपने आप खाली पोजीशन पर देना होता है या स्केल पर की फ्रेम एनिमेशन देनी होती है या फिर रोटेशन पर देनी होती है, तो आप लोग ये सारी खोलेंगे तो आपकी टाइमलाइन में फिर आपको कुछ सही से दिखेगा नहीं। तो ये है कि आप लोगों ने अगर पोजीशन पर देनी है तो आप लोग पी दबाएँ, रोटेशन पर देनी है आर दबाएँ, स्केल पर देनी है एस दबाएँ, और उसके बाद अगर आपने जैसे कि एंकर पॉइंट पर देनी है तो ए दबाएँ, और अगर ट्रांसपेरेंस ओपेसिटी पर देनी है तो टी दबाएँ। टी से ट्रांसपेरेंसी, टी से ही आता है, ये एक बात आप गौर जहन में रख लें। तो अभी मैं फ़िलहाल पोजिशन पर आपको एक सिंपल सी एनिमेशन करके दिखाता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी चले गया हूँ 2 सेकंड पे, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ। अगर आप लोग की फ्रेम, जैसे कि की फ्रेम का मतलब है क्या, बेसिकली की फ्रेम का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक रस्सी बोल दें या जो भी इसको बोल दें कि एक जगह से दूसरी जगह जिधर आपका की फ्रेम होगा वो एनिमेशन उस जगह तक चलेगी। जैसे कि अभी मैंने 2 सेकंड पे की फ्रेम लगा दिया है, और मैं ये अगर अपने पुराने की फ्रेम पे आ जाता हूँ तो आप लोग अभी अगर मैं इसको रोटेशन पोजीशन को नीचे करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये इसको कुछ ये यहाँ से ये लकीर सी हो गई, जैसे कि लाइन सीधी सीधी। तो बेसिकली अगर मैं भी इसको प्ले करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमारी एक एनिमेशन हो गई है, मैंने इसको बोल दिया कि भाई पहले की फ्रेम पे तू इधर हो जा, जब दूसरा की फ्रेम आए तो तू इधर पहुंच जा। और अगर अभी मैं इसको बोल दूंगा, एक और बोल दूंगा कि भाई जब तीसरा की फ्रेम आ जाए तो तू थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मसला आ जाता है, जब आपने बिल्कुल किसी चीज़ को देनी होती है सीधी एनिमेशन, अगर आप लोग इस तरह देंगे, पहले हमारी एनिमेशन थी सीधी, अभी वो थोड़ी घूम कर जाएगी जैसे कि लाई का कर्व। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हमने तो सिर्फ ये देख सकते हैं ना, पहले हमने इसकी एक्स चेंज की थी और सॉरी वाई चेंज की थी पोजीशन, उसके बाद हम लोगों ने इसकी एक्स पोजीशन का रोटेशन ली है, तो मगर ये फिर इस तरह की नहीं ना। हमारे को तो बिल्कुल पहले एक्स में जाए फिर वाई में जाए, हमें तो इस तरह की चाहिए ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो से ये वाला की फ्रेम है इसको सिर्फ एक फ्रेम पीछे कर देना है, जैसा कि इसको इस तरीके यहाँ पर कर देना, और इसी की फ्रेम को कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। आप लोग अभी देख सकते हैं
मैं आपको कॉपी का फिर बताता हूँ। आपने ये की फ्रेम सेलेक्ट करना है, एडिट यहाँ से भी आप लोग कॉपी से कर सकते हैं, और यहाँ से एडिट पेस्ट। अभी आप लोग देख सकते हैं आपके अभी एनिमेशन। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि मुझे भी रिसेंटली थोड़ी समझ आई है, कि ये यहाँ से अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमने तो पहले एक्स में जाए फिर वाई में जाए। अगर आपका की फ्रेम एक ही होगा, एक के साथ ही आप लोग उसको करेंगे तो वो कर्स की तरह बन जाएगा। हमने अभी इसको कट कर दिया बीच में से, जैसे कि पहले एक एक्स की होगी फिर वाई की होगी। तो ये कुछ इस तरीके से ये की फ्रेम्स काम करते हैं। तो इसमें कुछ और भी है की फ्रेम्स में, और तो इतना कोई खास है नहीं की फ्रेम्स में। जैसे हो गए पोजीशन का, अभी मैं आ जाता हूँ ये वाला की फ्रेम में। जस्ट यहाँ से कॉपी करके 6 सेकंड पर आकर इसको मैं फिर पेस्ट कर देता हूँ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी सही है, क्योंकि अभी हम इसको एक्स पोजीशन में ही लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो उसका इतना मसला नहीं है। और उसके बाद अगर मैं अभी एस प्रेस कर लेता हूँ, और एस के ऊपर एक यहाँ पर स्टॉप वॉच पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो क्या आपके पास की फ्रेम बन जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने क्लिक कर दिया, तो अगर मैं आ जाता हूँ अभी 8 सेकंड पे, और अगर मैं अभी इसको 8 सेकंड पे बोल रहा हूँ, 8 सेकंड पे मैं इसको साइज कर देता हूँ 50%, तो अभी ये इसका यहाँ पर 100 है और यहाँ पर इसको 50% पे ला देगा। मैं इसको 7 सेकंड पर लाता हूँ, एट पर इसको मैं फिर से 100 कर देता हूँ, 100 से काफ़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 और यहाँ पर फिर 100। तो बेसिकली अगर आपके यहाँ पर अभी आप लोग साइज देख सकते हैं कि साइज आपका बिल्कुल इक्वल जा रहा है। अगर आप लोग ये गलती कर देंगे कि भाई आपका साइज बिल्कुल सेंटर से जा रहा है और सेंटर से वापस ऊपर आ रहा है, ये एक बिल्कुल थोड़ी सी सही स्केल की प्रॉपर्टी लगती है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी एंकर पॉइंट हमारा इधर है या इधर है, तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि साइज में क्या डिफरेंस आ जाएगा। अभी वो उस तरफ जा रही है हमारा स्केल, हमने तो सेंटर में ही जूम अप, जूम इन और जूम आउट, जैसे कि स्केल अप और स्केल डाउन करना है, तो ये एंकर पॉइंट के थ्रू सारी चीज़ें तक काम करती है। अभी हमारी पोजीशन भी गलत हो गई है, क्योंकि पहले हमारी पोजीशन कैसी थी और अभी कैसी हो गई है। तो मैं अभी फिर से सेंटर में कर देता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जब आप लोग कुछ भी बनाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग जल्दी से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग इसको समझ जाएंगे कि भाई हाँ यार, इसको इधर करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सी थी हमारी एनिमेशन। और अगर आप लोग अपने की फ्रेम से लेयर सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे, तो आपके पास वो प्रॉपर्टीज आएंगी जिसके ऊपर हमने की फ्रेम्स लगाए हैं। जैसे कि अभी हमारी स्केल और पोजिशन पर की फ्रेम्स थे, तो ये दोनों आ गई हैं। अगर आपने जैसे कि अभी दो प्रॉपर्टीज एक साथ खोल ली, आप पोजीशन दबाएं, शिफ्ट दबाकर एंकर ए दबा लें, तो आपके पास एंकर पॉइंट भी आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ए दबाएंगे तो खाली वो बंद हो के, जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ एंकर पॉइंट के साथ पोजीशन आ गया, मैंने पी दबाया तो खाली पोजीशन आ गया। तो अगर आप लोग शिफ्ट दबा कर ए दबाएंगे तो एंकर पॉइंट भी आ जाएगा, स्केल भी आ सकता है, रोटेशन भी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी अगर आप लाना चाहें तो एक ही जगह पर इस तरीके से शिफ्ट को प्रेस करके आप लोग सारे प्रॉपर्टीज ला सकते हैं। तो मैं बेसिकली अभी यू प्रेस करके आपको बताने लगा था। एनिमेशन भी इसमें दो टाइप्स की होती है, जैसे कि अभी ये मेरा की फ्रेम है, सॉरी, मैंने एक की फ्रेम सेलेक्ट किया। मैं राइट क्लिक करके, अगर आप लोग की फ्रेम पे, अगर आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो अलग चीज़ आएगी, अगर आप लोग की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग चीज़ शो हो जाएगी, अलग सा ऑप्शन। तो ये बेसिकली
की फ्रेम्स के हवाले से ही कुछ है, आप लोग इसको अगर चेक कर लें क्योंकि इसमें समझ आए आपको कुछ तो बढ़िया है, बाकी कोई इतनी खास बात बताने वाली नहीं है इसमें। तो आपको यहाँ पर अगर आप लोग करेंगे की फ्रेम असिस्टेंट असिस्टेंट, तो आपको यहाँ पर दिखेगा इजी इज इजी इन इजी आउट। आप लोगों ने F9 की मदद से भी की फ्रेम को इजी इज कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने कर दिया इजी इज। तो की फ्रेम्स की भी इसमें काफ़ी तरीके वो है, किस्में हैं। तो अभी हमारी एनिमेशन कुछ अलग तरीके की होगी, हल्के फुल्के। अगर मैं अभी इसको भी कर देता हूँ, इसको भी मैं F9 से नहीं होगा, मैं इज मैंने इसको भी कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी एनिमेशन थोड़ी स्मूथ हुई है, क्यों? क्योंकि हमने हमारे की फ्रेम्स को इजी इज कर दिया है। अभी अगर आपको दिखाऊं मैं इजी इज का मतलब क्या है, इजी इज का मतलब आपको यहाँ पर सिंपल दिख रहा होगा, क्योंकि आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करके ग्राफ एडिटर में आना है, अपनी टाइमलाइन से ग्राफ एडिटर में। तो यहाँ पर आके आप लोगों ने यहाँ से एडिट स्पीड ग्राफ पर करना है। आपका ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्या शो हो रहा है, यहाँ पर भी हो सकता है। आपने जस्ट एडिट स्पीड ग्राफ पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अभी इसको आप लोग और भी स्मूथ कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को, जैसा कि अभी हमारा ये की फ्रेम्स है। तो आप लोग इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, मगर वो फिर नहीं होता इतना अच्छा। तो आप लोग अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये जो सा है इसे हम कह देते हैं, आप लोग इस वाली इसकी डंडी बोल रहे हैं इसको, या फिर इस पॉइंट को खींच के यहाँ से लेफ्ट में ले गए राइट वाले को, और हमारे इस वाले को भी आप लोग थोड़ा और लेफ्ट में ले जाए, तो आप लोग अभी समझ गए होंगे कि ये किस तरीके की एनिमेशन होगी। तो अगर मैं अभी प्ले कर देता हूँ, अभी आप लोग देख सकते हैं ये शुरू में बिल्कुल ही तेज जाएगी और उसके बाद बिल्कुल ही स्लो स्लो, और ये एनिमेशन काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे कि इस तरीके से अभी आप लोग इसको कर सकते हैं। और उसके बाद इसको ये लेफ्ट वाले को राइट पे करके भी आप लोग एनिमेशन्स बना सकते हैं। मैं आपको कुछ एनिमेशन्स भी बना कर दिखाऊंगा बेसिक अगले 2 या 3 ट्यूटोरियल्स में, बाकी फिर हमारे जो सी है ये सीरीज अख्तितम पर है। अभी आप लोग देख सकते हैं पहले बिल्कुल ही स्लो आ रहा था, और अभी ये यहाँ से फास्ट टू फास्ट हो जाए। और आप लोग इसको एक और तरीके से भी दे सकते हैं, सेंटर में आपने इसको कर दिया, मगर सेंटर में भी इतना कोई खास अच्छा नहीं लगता, आपको जैसा आप करना चाहें। अभी आप लोगों ने इसको इतना भी सेंटर में नहीं करना, ये है कि थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से आप लोगों ने इसको पीछे कर देना है, तो ये एक अच्छी सी एनिमेशन लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं ग्राफ एडिटर में आप लोग जाके अलग अलग टाइप की इसको एनिमेशंस दे सकते हैं। तो बेसिकली की फ्रेम्स की भी काफ़ी किस्में हो जाती हैं, तो आगे भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ। एक आदि ये जो सी काम की जो सी ज़्यादातर काम में आती है वो यही है, इजी इजी इन और इजी आउट वाली। तो उसके बाद अगर आप लोग आएंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन में, तो आपको यहाँ पर कुछ दिखेंगे कंटिन्यू बेजियर ऑटो बेजियर होल्ड होल्ड, हमारी कुछ इस तरीके से हो जाती है। इसका भी अपना ही सेटिंग्स होती है, ओल्ड भी कोई इतनी खास काम की नहीं है फिलहाल, वो भी इसकी तरह ही है लीनियर की तरह। तो बेसिकली जो हमारी काम की है थोड़ी अच्छी एनिमेशन देती है वो है लीनियर, और ये जो सी है इजी इज वाली, इसको हम लोग इजियर बोलते हैं आई थिंक, हाँ। और उसके बाद अगर ऑटो बीजियर करेंगे तो ये इसको नहीं, बीजियर एक अलग चीज़ है, अगर मैं इसको भी 1 मिनट, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसमें से कोई और दूसरी यूज नहीं करता हूँ।
मैं जस्ट इजी 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 आउट वाली, आप लोग ग्राफ एडिटर में जाकर यहाँ से देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रही हैं आपके की फ्रेम्स के साथ। तो बेसिकली ग्राफ एडिटर भी वही चीज़ हमें बताता है जो कि हम लोग अपनी टाइमलाइन में देख रहे होते हैं, बाकी ग्राफ के थ्रू एनिमेशंस मतलब नहीं टाइमलाइन में तो नहीं, टाइमलाइन तो अलग चीज़ है, बाकी जो एनिमेशन के की फ्रेम्स होते हैं वही दिखाता है बाकी ग्राफ के थ्रू। तो अगर आप लोग एक और यहाँ पर जो दिक्कत आ जाती है कि आप लोग अगर आते हैं ग्राफ एडिटर में तो आपके पास कुछ कुछ भी शो नहीं होता, ये देख सकते हैं जी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमारा कोई की फ्रेम सेलेक्टेड नहीं है। अगर आप लोग अभी की फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये ग्राफ शो करेगा, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो नहीं शो करेगा। जैसा कि अभी मैंने स्केल को सेलेक्ट किया है तो मेरे पास स्केल की फ्रेम्स आ रहे हैं, अगर मैं पोजीशन को करूँगा तो पोजीशन क्या आएंगे। ये नहीं है कि आपको इसको ही सेलेक्ट करना है, आप लोग कोई भी की फ्रेम दो सेलेक्ट करके या खाली एक की फ्रेम सेलेक्ट करके भी ग्राफ में देख सकते हैं। तो एक बेसिकली जो सी ये टिप है कि भाई आपको याद रखना है कि कोई की फ्रेम्स हमारे सेलेक्टेड हो तो ही आपके ग्राफ एडिटर में आपको ये ग्राफ शो होगा। तो उसके बाद एक और चीज़ जो कि मैन्युअली मैं आपको बता दूँ इसी ट्यूटोरियल में कि टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसा कि हमने हमारे पिछला जो सा करेक्टर पैनल वाला था ट्यूटोरियल उसमें मैंने आपको करेक्टर पैनल के बारे में बताया था। एक जो कि बढ़िया चीज़ अच्छी चीज़ है कि इसमें सोर्स आप लोग की फ्रेम्स में कि आप लोग की फ्रेम किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्स वाई जेड जिसकी प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि अभी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी, मोर ऑप्शन में आ जाओ हमारे पास इसकी वैल्यू है, जैसे कि इसको हम लोग आपको डाउन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्स वाई जेड। मैं अभी यहाँ पर सॉरी, मैं यहाँ पर अभी टिंट इफेक्ट डाल देता हूँ। हमारे पास अभी हम लोग टिंट के कलर को भी दे सकते हैं, इसके दोनों कलर्स को दे सकते हैं, इसकी अमाउंट को दे सकते हैं, एक्स वाई जेड जिसकी भी आपको इफेक्ट्स हो गया, प्रीसेट्स हो गया, जिस कोई भी चीज़ कोई भी इफेक्ट जिसके आपके पास यहाँ पर हो ना कि भाई वैल्यू हो या फिर कोई चीज़ हो काम कर रहा हो, जैसे कि कलर चेंजिंग का कर रहा है ये, उसको आप लोग एनिमेशन दे सकते हैं की फ्रेम्स के थ्रू। और यही एक बेस्ट चीज़ है आफ्टर इफेक्ट में जिसकी वजह से इफेक्ट्स जैसे कि वी एफ एक्स बन जाते हैं इतने अच्छे अच्छे कूल किस्म के। तो बेसिकली आप लोग दे सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर सोर्स टेक्स्ट के बारे में बता देता हूँ, हमारा सोर्स टेक्स्ट क्या है। तो अगर आप लोग सोर्स टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग एनिमेशन बन जाएगी, जैसे कि एक अलग की फ्रेम बन जाएगा। सॉरी, तो सोर्स टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है। मैं अगर अभी इसके आप लोग इसको इजी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये सोर्स टेक्स्ट का है। मैं अभी एक यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इसके शुरू में, और मैं ये दूसरे वाले पे आके लिख देता हूँ मोशन वाला। मैं अभी इसको मैंने लिख दिया, मैं अभी इसका साउंड भी चेंज कर देता हूँ। तो भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं एक की फ्रेम भी पीछे जाऊंगा ना तो हमारा यहाँ से ट्यूटोरियल 22 ही आ रहा था। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले आता हूँ इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पर आप सॉरी पीछे थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्यूटोरियल हम लोग ग्राफ एडिटर में जाके कुछ अभी मैंने यू प्रेस कर लिया, मेरे पास सारे की फ्रेम्स आ गए। मैं पोजीशन हमारी यहाँ पर आ रही है तो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा, 1 सेकंड पे ही रख देता हूँ मैं इसको। तो अभी ये पहले आएगा ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 22 के बाद ही होगा मोशन वाला। और आप लोग इसके अंदर से यहाँ पर की फ्रेम से अगर आपके पास ये की फ्रेम सेलेक्टेड है तो आपने गौर करना है कि आपने जैसा कि कोई भी चेंजेस करनी हो ना, जैसा कि आपने इसके थोड़ा साइज छोटा करना हो तो
तो आपने उसी की फ्रेम के ऊपर जाकर करना है जो आपने लास्ट टाइम क्रिएट किया है। जैसे कि अभी मेरा ये है, तो मैं अगर मुझे साइज इसका थोड़ा बड़ा या छोटा करना है तो मैं इस की फ्रेम पर आकर करूँगा। अगर अदरवाइज मेरा जो सा ये टाइम इंडिकेटर यहाँ पर होगा और मैंने इसका बोला कि भाई मैंने चलो इसका मैं थोड़ा ये वाली जोन सी है इसको ट्रैकिंग है जोन सी इसको इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी, और उसके बाद मैं थोड़ा इसके स्केल भी छोटा कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, इसके साथ ये भी कर देता हूँ, तो वो बेसिकली फिर आपका जब उस जगह पे जाएगा तो उससे पहले अगर आप लोग आएंगे पीछे, यार ये क्या हो गया, अभी तो मैं सेट करके आता हूँ, फिर आप लोग करेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर वही चीज़। तो आपने इस चीज़ का ये भी एक जहन में रखने वाली बात है कि आपने उस इस की फ्रेम लास्ट टाइम वाले पर आकर आपने की फ्रेम बनाना है, उसके ऊपर आकर बस फिर आपने चेंजेस करनी है जो करना चाहें आप लोग। तो उसके बाद मैंने आपको मोशन ये ब्लर के बारे में भी नहीं बताया था कि बेसिकली ये काम क्या क्या काम करता है, तो सिंपल इसका मैं आपको दे देता हूँ ओवरव्यू। तो अभी आई थिंक कि इस लेयर पर ये काम कर जाए, तो आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये इस की फ्रेम पर हमारे पास मोशन ब्लर है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, आप लोग ये सिंपल है मोशन का मतलब, जैसा कि अगर आप कैमरा आपने चला हो मोबाइल का ही या फिर DSLR वगैरह कोई भी कैमरा, तो आप जब उसको एक जगह से थोड़ी तेज़ी से उसको रोटेट या उसकी पोजीशन चेंज करते हैं ना, जैसा कि नीचे से आपने थोड़ा उसको ऊपर कर लिया, तो उसमें ये मोशन ब्लर टाइप की आ जाती है कि वो सारा ब्लर ब्लर होके मोशन वाला ऊपर को चले जाता है। तो ये भी वही चीज़ है, आफ्टर इफेक्ट में भी मोशन ब्लर का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत ही काम का है। अब यहाँ ये एनिमेशन भी अभी कुछ अच्छी लग रही है क्योंकि मोशन ब्लर में इतना पता नहीं लग रहा कि टेक्स्ट हमारा कब तब्दील हो गया। ये तो मोशन ब्लर का भी मैंने आपको एक बता दिया कि मोशन ब्लर बेसिकली होता क्या है। उम्मीद है आपका आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो इसको लाइक ज़रूर कर दें और जाते जाते सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो कमेंट में जो चीज़ समझ नहीं आए उसका बताएं मुझे, मैं आपके साथ वो कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय।